हेलो एवरीवन दोस्तों, और आज 10 नवंबर 2023 है और धनतेरस भी है। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी मुबारक शुभकामनाएं। और आज से 3 साल पहले ही भाई मेरा जो है सफर शुरू हुआ था ऑन पैसिव का, मतलब 10 नवंबर 2020 के दिन ऑन पैसिव में मैंने $97 दिए थे और यहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सफर रहा था। कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, हो सकता है आप भी उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएं। और इसमें जो है कई उतार चढ़ाव भी आए, काफी चीजें हुई। वैसे तो एंट्री जो मेरी हो चुकी थी 31 अक्टूबर 2020 में ही हो चुकी थी, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन इसमें किया था, लेकिन इसे जब पैड किया $97 तो उसमें मुझे 10 दिन लग गया। उसका भी एक रीजन था, उसका भी कारण मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा यहां पर। देखिए, शुरुआत की मैंने कई वीडियो वगैरह देखे और मुझे लगा कि एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसे करना चाहिए, और मैं एमएलएम फील्ड से था। लेकिन उसी दिन जब 31 अक्टूबर 2020 को देखा तो एमएलएम को मैंने बाय कर दिया, भाई एमएलएम नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो सही नहीं होता था और मुझे पसंद नहीं आता था। तो मैंने भी सोचा कि यार कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग चीज है। मैं कहीं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा था तो उसमें ऑन पैसिव का कहीं ना कहीं नाम आया और मैंने अपनी वहां से जस्ट शुरुआत कर दी। और अब कंडीशन ये थी कि उस टाइम पैसा नहीं था, उस टाइम 9,086 रुपये समथिंग मुझे लगा था। उस टाइम मेरे पास 9,086 रुपये नहीं थे, तो मेरे पास एक म्यूचुअल फंड था उस टाइम। तो 31 अक्टूबर के दिन जो है मैंने क्या किया, अपना एक म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ था, करीबन वो 3 साल उसे हो गए थे, और उसमें मैंने 10,000 रुपये डाले थे। और उल्टा उसमें हुआ, 10,000 रुपये डालने के बजाय 10,000 तो मैंने उसमें डाले, लेकिन वो जो कटते पिटते 3 साल में वो 9,500 हो गए, मतलब उल्टा हो गया। हालांकि म्यूचुअल फंड में कई बेनिफिट्स भी होते हैं, बट उस टाइम जो है थोड़ा सा लॉस में रहा। तो मैंने सोचा यार इसमें पैसे बढ़ नहीं रहे, चलो इसी में डाल देते हैं। और मैंने शुरुआत की, 8-10 दिन बाद वो मेरा अकाउंट में पेमेंट आया और उसे मैंने तुरंत एक्टिवेट कर लिया अपने ऑन पैसिव के जो है अकाउंट को। और मुझे कहीं ढूंढ रहा था कहीं से रेफरल लिंक मिले, तो मुझे कहीं मिली नहीं, लेकिन onpassive.com पे जो है उस टाइम कुछ गिने चुने लीडर्स के नाम आ रहे थे, तो वहां पर किसी का मोबाइल नंबर नहीं था, तो वो डॉक्टर इदरीस मोदी साहब का वहां पे नंबर था। मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने अपना रेफरल लिंक भेजा और फिर मैंने शुरुआत यहां पे की। और 11 नवंबर 2020 को अपना पहला वीडियो जो है अपलोड किया और उसमें करीब 300-400 व्यू है। और जस्ट शुरुआत की मैंने, जस्ट वहां से जस्ट शुरुआत की। लेकिन 25 नवंबर 2020 को जो है फर्स्ट वीडियो मेरा जो है मैंने शेयर किया और पहली बार फेस सामने ला करके शेयर किया। और दोस्तों, ये जर्नी चलते 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 जो है जीरो से अभी 87+ जो है इसमें के मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसमें करीबन 20 मिलियन से भी ज़्यादा अभी तक व्यू हो चुके हैं। तो आप सबका थैंक यू वेरी मच। जस्ट ये शुरुआत जैसे हुई थी, और इस शुरुआत के दिनों में जो है काफी ज्यादा जो है बोल सकते हैं कि नेगेटिव भी झेलना पड़ा, क्योंकि उस टाइम जो है हम गिने चुने ही कुछ यूट्यूबर थे और शायद मैं भी उसमें सबसे स्टार्टिंग में ही रहा था। उसके पहले टीम चैंपियन का वेबिनार कुछ होता था और उसके अलावा कुछ एक दो यूट्यूबर थे जो वीडियो बनाते थे, लेकिन वो कहीं डर गए और पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि वो उन्हें समझ नहीं आया और उन्हें लगा कि यार ऑन पैसिव होगा नहीं या चलेंगे, तो उन्होंने अपने वीडियोस बनाना छोड़ दिए ऑन पैसिव के। और टीम चैंपियन के वेबिनार होते थे और कुछ एक दो ही कुछ यूट्यूबर थे जो उस टाइम वीडियो बनाते थे और अपडेट्स आती थी, हम शेयर करते थे। इस दौरान कई चीज़ें ऐसी भी हुई कि कई बार ऐसे भी लीडर आए जिन्होंने आपको डराने की कोशिश की। कहने का मतलब ये था कि वो ये बोलते थे कि भैया आप जो है आप वीडियो मत बनाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, आप गलत कर रहे हो। दोस्तों, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपको जो है कई लोग आते भी हैं बुरा कहने के लिए। अच्छे लीडर्स भी आए जिन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और कई लोग आए और अपना सपोर्ट भी किया, भाई वो लोगों ने मेरे साथ काफ़ी उन्होंने हेल्प भी की और कैसे आपको किस टाइप से वीडियो बना ले। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो कि डराते थे आपको, और ऐसा नहीं है। देखिए, कोई आपको अगर समझा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप समझाइए, लेकिन कुछ लोग ऐसा था वीडियो ही बनाना बंद कर दो, तो कई लोग ऐसे भी आए। लेकिन दोस्तों, वही होता है ना कि आप सुनो सबकी लेकिन करो दिल की, क्योंकि जाने उन्हें एक ही एक शब्द कहा कि देखिए यहां पर आप टेंशन मत लीजिए, यहां पर वीडियो मैं बना रहा हूं, राइट, यहां पर कंपनी देख लेगी, कुछ गलत अगर होगा तो कंपनियां देख लेगी, कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है जो आपको यहां पर हिला सके, राइट। तो आप डेयरिंग के साथ अपना काम करिए, आप ईमानदारी से अगर अपना काम करोगे तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। वैसे ही शुरुआत की दोस्तों, लेकिन रियल वीडियो बनाए, ऐसा नहीं कि अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, वीडियो में व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी वीडियो डाले हो, राइट। इसी वजह से एक वैल्यू जो ऑन पैसिव ने बना के दिया दोस्तों, और कई लोग वीडियो बनाते हैं, अब तो पता नहीं कितने सारे लोग, हर कोई यूट्यूब पे आ गया है। और कई लोग जो विरोध करते थे यूट्यूब पे वीडियो मत बनाओ, वो लोग खुद ही यूट्यूब पे आकर आजकल वीडियो बनाने लगे हैं। तो ऐसी भी चीजें हुई हैं जो इंटरेस्टिंग रही हैं काफी। लेकिन कहते ना कि आप अपना 100% दीजिए,
आप यहाँ पे अपना 100% दीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो बेहतर है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप अपना 100% और सही तरीके से काम कीजिए। और कई लोग ऐसे आए जो नेगेटिव आपके खिलाफ बोलने लगे और अपराधी किसी ने बना दिया, किसी ने बोला ये है, ये यूट्यूबर है, ये ऐसा है, ये सेल्फिश है, और ये बहुत सारे, और आज भी कई लोग बोलते हैं, उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको अपने काम पर हमेशा फोकस रहना चाहिए। और मैंने करते करते ऐसी जर्नी शुरू की और दोस्तों आज इस दौर में हम आ गए हैं कि ऑन पैसिव ने जो एक वैल्यू बनाया, पहचान बनाई, तो उसके लिए थैंक यू सारे मेरे सारे व्यूवर्स का, फाउंडर्स का, और साथ ही साथ सबसे स्पेशल थैंक यू मिस्टर ऐश मुफारे सर का और हमारी बैक ऑफिस की टीम का। और इस दौरान जब मैं हैदराबाद ऑफिस गया दोस्तों, वो पल्स मेरे लिए सबसे अमेजिंग था, क्योंकि कई लोगों की ये गलत फहमी है। मैं आपको एक बहुत बड़ी गलत फहमी यहाँ पे दूर कर दूँ, अभी भी एक लोगों के माइंड से गलत फहमी दूर नहीं हुई है कि आप किसी लीडर के कहने के, यार किसी के लीडर आपका हेल्प कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ, मैं उस लीडर के सपोर्ट में। लोगों ने अपने जो टीमें बना ली, आधे इधर आधे इधर, लेकिन हमें एक चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऑन पैसिव वंस हैं और हमें ऑन पैसिव के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने लिए यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं। तो आप एक अच्छी जो है बोल सकते हैं मैसेज जो है पब्लिक तक पहुंचाइए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो लीडर है तो मैं उसके सपोर्ट में, वो लीडर उसके सपोर्ट में, अपने अपने ग्रुप बना लेना, ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए अपना इंडिविजुअल भी काम करते हैं तो बिल्कुल क्लियर होकर के करिए। हमने वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का शो शुरू किया था, इंडिया का सबसे पहला शो था जो डॉक्टर इद्रीस मोदी और मैंने शो शुरू किया था, जिसमें पहले जो है डॉक्टर इद्रीस मोदी ही मेरे जो बोले थे बने थे गेस्ट, उसके बाद में कुशविंदर ढिल्लन सर आए थे, फिर हम दोनों ने मिलकर मतलब कि डॉक्टर इद्रीस मोदी और मैंने मिलकर शो शुरू किया। काफी टाइम तक हम लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों को, लीडर्स को हमने यहाँ पे इनवाइट किया और कई फाउंडिंग मेंबर भी इसके अंदर आए। उसके बाद में फिर शो के सिलसिले बहुत ज्यादा शुरू हो गए, इसमें बहुत सारे लोग आते रहे, कई फॉरेनर को भी हमने इनवाइट किया, कि फॉरेन जो हमारे लीडर्स उनको भी इनवाइट किया, इंडिया के बहुत सारे लीडर्स को, और कुल मिला के बहुत ज़्यादा पॉपुलर सारी चीज़ें हुई। और दोस्तों एक चीज़ अगेन मैं बोलूँगा कि व्यूवर्स बढ़ाने के लिए मैंने कभी भी नेगेटिव चीज़ें या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जिसमें बहुत ज़्यादा कि ऐसे हो गया आप करोड़पति बनोगे। कई लोगों ने अपनी TRP बढ़ाने के लिए इस टाइप की वीडियो बनाए और आज भी वो बना रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो व्यूअर्स के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और मेरे व्यू भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेरे व्यू होंगे, लिमिटेड रहे, हमेशा लिमिटेड रहे, और मैं हमेशा कभी के पीछे नहीं भागा हूं। इस चीज को आपने भी नोट डाउन किया होगा। और यहां पर एक चीज और है, कई लोगों ने बाद में यूट्यूब के चैनल बनाया, कई लोगों ने एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर दिया, वो बताया नहीं लेकिन कंपटीशन शुरू करें कि यार उससे बेहतर मैं जाऊं, उससे जल्दी मैं जाऊं। लेकिन हमारा देखिए यहां पर मकसद ऑन पैसिव और हम सब उसी के लिए काम करें, उसी तरीके से काम करें तो ज्यादा बेहतर है। और मैंने कभी ऐसा नहीं किया दोस्तों, अपने सिंपली सारी चीजें बनाई और हमने यहां पर जो रियल इंफॉर्मेशन थी वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो थैंक यू अगेन फिर से बोलूंगा, हम सारे फाउंडिंग मेंबर हैं उनका और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबका। इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो नेगेटिव कमेंट्स करते थे, मैंने उन्हें हाइड कर दिया अपने चैनल से, वो भी दिखाई नहीं देते। कई पुराने पुराने भी हैं तो कहीं के मैंने नेगेटिव आता रही है, कब होगा वो, कब होगा ये, क्या जैसी अपडेट आती, जैसी इंफॉर्मेशन आती दोस्तों वैसे ही बताया जाता है, बढ़ा चढ़ा के कभी नहीं बताएं। जो और भी यूट्यूबर्स अगर देख रहे हो यहां पर, राइट, तो आप रियल इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप हमेशा कंपनी के साथ बने रहेंगे। हैदराबाद के सफर के बारे में जो शब्द बोलूँ वो कम है, वहाँ पर हम 10 लोग गए थे, कंपनी की तरफ से कॉल आया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किसी लीडर या किसी के कहने से आप ये मत सोचिए कोई लीडर आपको सपोर्ट करेगा या कंपनी यहाँ देखती है आपको, मिस्टर ऐश मुफारे देखते हैं आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब वो है चेक करने के बाद में, वॉच करने के बाद में हमको बुलाया। और उसके बाद में जो बढ़िया जो दौर देखा हमने वहाँ पर जो हैदराबाद ऑफिस में 2021 में जाने के बाद में, वो अनबिलीवेबल था दोस्तों। और कई सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद में बहुत मज़ा आया। और दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर जो है बिल्कुल दिल से काम करिए ऑन पैसे में। सारी चीज़ें होती है, देखिए पे आउट्स पेमेंट को लेकर भी पहले भी बहुत सारे इशूज़ आते थे, पेमेंट फेल होना, ये होना, जब ओ फाउंडर्स वगैरह की हम एक्टिवेशन कर रहे होते थे, तो अभी भी कहीं ना कहीं जो अभी दिक्कत आ रहा आपको सब्सक्रिप्शन बाय करने में, ये तो जस्ट एक पार्ट है ऑन पैसिव का, इसको इतना ज्यादा टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। और सारे लीडर्स का मैं थैंक यू बोलूंगा, चाहे इंटरनेशनल लीडर हो चाहे इंडिया में, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उन सबका भी थैंक यू वेरी मच। और सभी 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 लोग ने जो दिल से यहां पर जुड़े रहे, और दोस्तों आपको बिल्कुल मुझे अगर विश भी करना है तो हर किसी का जवाब नहीं दे पाता हूं। देखिए कई लोगों इस पे मेरे से नाराजगी भी रही है कि आप जवाब नहीं देते दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है सबका आंसर दे पाना और इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जो नेगेटिव वीडियो बनाते थे वो भी पता नहीं कहां चले गए, वो लोग तो टोटली गायब हो गए। और उस टाइम जो उस टाइम झेल गए थे, मतलब नेगेटिविटी को लोग उस टाइम झेल गए थे आज से 2 साल पहले 1 साल पहले, वो लोग यहां पर टिके रहे। और जो लोग नेगेटिव लोगों के साथ में चले गए, उनकी नेगेटिविटी की उनकी खुद की सोच हो गई, वो ऑन पैसिव से आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। और अभी भी अगर किसी के मन में भी नेगेटिव या कुछ आता है दोस्तों, अपने माइंड से नेगेटिविटी हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव बहुत बड़ी कंपनी है
और अगर हम बोले कि ऑन पैसिव को हमने समर्पित कर दिया तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक बड़ी चीज़ को बनने में टाइम लगता है और वैसे ही ऑन पैसिव में हो रहा है। तो बहुत अच्छा सफर रहा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल सब्सक्राइबर भाई बहुत कम हो रहे हैं, जहाँ तक मैंने नोट डाउन कर रहा है, शायद लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो भी आ रहे हैं उनका वेलकम है, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं भी आते तो नो प्रॉब्लम, आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी मेरे थ्रू कहीं ना कहीं मिल जाए। तो बस ये सफर रहा बहुत अच्छा रहा, तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, और आपने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड लव यू एंड बाय बाय।